गवर्नमेंट का काम है, जिस तरह से जो नैरेटिव मीडिया में कुछ दिनों से बिल्ड हो रहा था, चीफ जस्टिस साहब के सामने भी मैंने यही मुद्दा रखा कि मसला मेरा जो बयान था वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नहीं था। मेरा बयान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक जो एलिमेंट है उसके रवैये से मुतालिक था, और चीफ जस्टिस साहब ने उनका जो एहतराम है चीफ जस्टिस साहब का और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो एक तो कुर्सी की वजह से जिस अहदे के ऊपर है उसकी वजह से एहतराम होता है, लेकिन इसके अलावा जो है एक बैकग्राउंड है, मेरा जाती एहतराम का ताल्लुक है चीफ जस्टिस साहब से, जज साहबान से। खुद मैं वकील हूँ, रोज मैं अपीयर होता हूँ इन सारे जज साहबान के सामने, मैं साल से अपीयर हो रहा हूँ, तो मेरा बहुत एक जाती एहतराम है। वो उस तरफ से ज्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये मानना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वो जाहिर मुमकिन नहीं होगा। पॉलिसीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के चीफ सेक्रेटरी हैं, पॉलिसीज वो बनाएंगे, पॉलिसीज उनकी चलेंगी और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क आगे बढ़ेगा। आइन और कानून जो है वो सुप्रीम है, उनके मुताबिक मामला जो है वो आगे चलेंगे, और आइन और कानून में चेकोटॉमी ऑफ पावर्स है, तकसीम है इख्तियारात की। सबको पता है पार्लियामेंट का क्या अख्तियार है, अदलिया का क्या अख्तियार है और हुकूमत का क्या अख्तियार है, और जहां जहां पे इख्तियारात से तजावज होगा वहां वहां पर जाहिर है कि कानून जो है उसको हक है कि वो अपनी अमलदारी कायम करे। जो अल्टीमेट सुप्रीमेसी है वो आइन की है, वो किसी शख्स की या किसी फर्द की नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी है, और आइन के अंदर जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारा तो जदोजहद ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जदोजहद ही आइन के मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाने के ऊपर रही है, तो आइन के मुताबिक ही हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह चलेगी। आज इसके अलावा जो एपीसी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिस तरह मैंने कल कहा कि आजकल उनको दिन में तारे और रात को इसराइली प्यारे नजर आते हैं, तो मौलाना साहब की आज जो एपीसी है वो भी खुशी निकली है, मजा नहीं आया। तो मैं उनको कहूंगा लगे रहे, कहते ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहे, शायद उनको कोई अगले 10-15 सालों में कुछ कामयाबी की उम्मीद आ जाए। अभी तो इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत मुस्तहकम है, इमरान खान जो है उनके ऊपर लोगों का एतमाद है, और इंशाल्लाह पीटीआई की जो हुकूमत है वो अपने जो लोगों से हमारे जो वादे हैं उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। की कहानी आपा जुबैदा की जुबानी, जिसने आपको कहा तो आप हंस पड़े, वो क्या बात की हमें समझ नहीं आई। कोई बात, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फवाद हम आपका धन साफ कर रहे हैं और आदम सवाली साहब ने 40 किनार से कब्जा कर रखे हैं, तो आप भी 40 किनार कब्जा उनके कब्जा करा रहे हैं? मुझे नहीं पता उन्होंने कब्जा किया, आजम सवाती साहब का जितना मुझे पता है, नहीं चीफ साहब ने तो रिकॉर्ड मांगा है ना, जहां तक आजम सवाती साहब को मैं जानता हूं बड़े ऑनरेबल आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, और जो एक झगड़े हैं वो किसके नहीं होते। लेकिन ये बात सही है कि जो अपना आप सड़क के ऊपर भी चल रहे हो, अगर 100% आपकी भी गलती हो तो आपको अपनी बात आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी पोजीशन डिफरेंट है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये है कि जो आजम सवाती साहब की जहां तक जात का ताल्लुक है, आप हनी मून पीरियड में है, बिलाल एक मिनट, इनको बिलाल एक मिनट, अभी आप लोग हनी मून पीरियड में, क्या वजह है, अदले अभी पूरी नहीं हुई, तो क्या वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेसी से मुहत्तों में कोई कमी आ गई, वजह क्या है? कोई मुहत्तों में कमी नहीं आई है। देखें 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में भी रहे हैं, एक भी ट्रांसफर तबादला जो है वो नहीं है। इस तरह के मामला छोटे 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 फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में बहुत लंबा अच्छा पीएमएल की हुकूमत रही है, उसकी वजह से कुछ इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हिकअप तो है वो आते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों में। कोई सपोर्ट तो साहब ये बताएंगे, अब आप बता रहे हैं खत्म कर दिया, कोई पुलिस के ऊपर कोई सियासी मुदाखलत नहीं। तो साहब आज इस अदालत से एक फैसला है जिसके बाद मुल्क में अमन ओ अमान की सूरत हाल पैदा होगी, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी?